excise leakages to be stopped. घट तो घट नहीं 4 to 5 हज़ार करोड़ रुपए की तो एक्साइज की चोरी है। शराब 200 रुपए की 2-2 हज़ार नू विकदी है, लेबल लाए जाते हैं, समगलिंग होंदी है। घर दियां डिस्टिलरियां ने अडल्ट्रेटेड शराब वेची जाती है, इलीगली विकदी है और शरेआम विकदी है, माफिया के नैक्सस नाल विकदी है। मिनिमम एक्सपेक्टेड इनकम आउट ऑफ द लिकर बिजनेस इन पंजाब इज 25,000 करोड़, 50,000 जॉब्स। करंट इनकम 4,000 करोड़ भी नहीं। ये मिनिमम 6 गुना उत्ते जा सकती है। मिनिमम स्टेप 1 एक्साइज लीकेजेस टू बी स्टॉप, लिकर एडल्ट्रेशन इलीगल सेलिंग स्टॉप। सैंड माइनिंग माफिया ने कैबिनेट में भी इंप्लीमेंट नहीं होने दी। इंपाउंडिंग ऑफ ट्रक्स विच हैव इलीगल सैंड, 2014 में ये पॉलिसी नोटिफाई हुई थी, एक भी ट्रक इंपाउंड नहीं हुआ। कोई ऐसा आदमी है धरती पे जो 25,000 के रेते के लिए 1 करोड़ का ट्रक इंपाउंड करा लेगा जी? एक ट्रक इंपाउंड नहीं हुआ आज तक। देयरफॉर कलर्ड ट्रक्स विल ऑपर, उनपे कंप्यूटर चिप्स लगी होंगी और कोई भी ट्रक अगर बाहर से आता है, स्पेशली फ्रॉम पठानकोट, देयर विल बी टैक्सेस लेवीड। आज गुंडा टैक्स लेंदे 5,000 रुपया उस स्टेट दे जेब चाहेगा। ये बड़ा क्लियर है कि मिनिमम ऑफ 2 to 3,000 करोड़ कैन बी अर्न फ्रॉम 1,300 किलोमीटर्स ऑफ प्योर सैंड रन रिवर बेड्स। ये कोई शक हो किसे नाल, कोई मेरे ना बहस कर ले आके। बट क्योंकि इनू माफिया पनपा रहा, गवर्नमेंट दे कदे स्टॉकयार्ड बने नहीं। स्टॉकयार्ड चो अड कलर का ट्रक कढ़ेगा ऑनलाइन तो फिर अगे अड कलर का ट्रक छड़ के आएगा। दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन्स इन तेलंगाना, द पॉलिसी दैट आई गेव। वी टॉक ऑफ डिजिटल पंजाब फॉर 4-level मॉनिटरिंग, ऑनलाइन बुकिंग्स एंड फिक्स प्राइस। वी नीड टू फिक्स द प्राइस ऑफ सैंड। जिमें शराब नहीं विकती, लून नहीं विकता, तेल नहीं विकता, पेट्रोल नहीं विकता, हाउ इज इट दैट सैंड की प्राइस कदे फिक्स नहीं की थी? यही कारण है कि माफिया ऑपरेट करता है। अगर सैंड की प्राइस फिक्स हुई होंगी कोई सवाल पैदा ही नहीं होंगे। जिनी घट प्राइस उन्ना वॉल्यूम ज्यादा होएगा। ऑनलाइन बुकिंग एंड फिक्स प्राइस, यूज ऑफ IT इन ऑर्डरिंग, पंजाब ऑनलाइन सैंड डिलीवरिंग एंड मॉनिटरिंग, GPS चिप्स ऑन ट्रक्स, फिक्स डिलीवरी टाइम फ्रॉम स्टॉक यार्ड, इंपाउंडिंग ऑफ इलीगल ट्रक्स, एनुअल ऑडिट बाय 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ रिप्यूटेड फर्म्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एम सैंड है जी, क्रशर चलते हैं। उड़ी बड़ी सिंपल पॉलिसी है, जदों भी बिजली चलती है 7 रुपये पर यूनिट उदे ते चार्ज हुंदा। हिमाचल की भी पॉलिसी है, बड़िया पॉलिसिया ने, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। ए दिस इज फॉर सस्टेनेबल माइनिंग एंड फ्यूचर जनरेशन। एदे च रेवेन्यू 2 to 3,000 करोड़ रुपया, 5,000 डायरेक्ट जॉब्स, 15 to 20,000 इनडायरेक्ट जॉब्स स्ट्रेट अवे, और यह वधदा जाना। हुण आ जांदा जी केबल। केबल लोकी कह तां दिंदे जी सस्ती कर देंगे, ऐ कर देंगे, ओ कर देंगे, पर किसी ने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया अज तक। केबल का रेगुलेटरी कमीशन बनाना बहुत जरूरी है। 2007 दे विच बादलां दी सरकार आई सी ते आके मोनोपली बनाई, उदू पहला कोई मोनोपली नहीं सी। देर वर मल्टीपल MSOs, और चोर की माँ MSO है, एक ही है लुधियाने, पता नहीं हुण
ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਡ ਰੂਟ ਜੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਗਾਬਸ ਵੀ ਵਿਲ ਓਪਨ ਦ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਅਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਛੇ ਹੋਣ ਐਮ ਐਸ ਓ ਸੱਤ ਹੋਣ ਇਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80% ਫਾਸਟਵੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ 70-80% ਇਟ ਡਸ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਰੀਅਲ ਡਾਟਾ ਆਫ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀਵੀਸ ਫੋਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਟੀਵੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ 2/3 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈਟਸ ਆਰ ਨੋਟ ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈਂਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੋਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਘੀ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਪੋਲਸ ਹੋਣ ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਪੇ ਰੈਂਟ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟ ਫੋਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੀਪਲਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨ ਲੈਵੀ ਕੈਰੇਜ ਫੀ ਅਸੀਂ ਕੈਰੇਜ ਫੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੇਜ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਕੈਰੇਜ ਫੀਸ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਬਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਬਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ 400-200 ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 6 MSO ਲਿਆਓਗੇ 400-200 ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੱਡ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਆਫ 3-5,000 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰੋਮ ਕੇਬਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਫੋਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲੋ ਇਨਕਮ ਟੂ ਸਮਾਲ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫੋਰ ਲਾਰਜ ਚੈਨਲਸ ਫੀਸ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਚੈਨਲਸ ਟੂ ਰਨ ਔਨ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਟਵੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਕਲੀਅਰ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਦ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਪਲੇਅਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ 5-6 MSOs ਚਾਹੇ 10 ਹੋਣ ਜਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਰ ਦ ਮੈਰੀਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਕੈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਦੇਅਰ ਚੋਇਸ ਹੈਂਸ ਲੋ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੂ ਦੀ LCOs ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ LCO ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 2-3 ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ GST ਐਂਡ ਕੈਰੇਜ ਫੀ 2000 ਕਰੋੜ ਪੱਕਾ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਜੋ ਲੋਸ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਉਸਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਇਜ਼ ਸਸਤੀ ਕੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 450 ਨੂੰ 400 ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 200 ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਸਸਤੀ ਕੇਬਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
स्टेट का चैनल सर्ब सांझी गुरबाणी नू दुनिया के हर घर तक लेके जाएगा, जड़ा चाहेगा वो देख सकेगा। ये किसी एक घर का धंधा बनने वास्ते नहीं है, therefore स्टेट टेलीविजन जिथे विधानसभा का सैशन पूरे का पूरा आया करेगा जी, किसी एक बंदे नूं दिखाने लई नहीं आएगा कि एक नूं ही दिखाना जदों दूजा बोलता तो बत्ती गुल। ये बहुत हो गया, ये गल्लां मैं सारे पंजाब नाल करनियां ही करनियां ने, ना कोई परवाह पहला सी ना अज है। अगे आ गया जी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भावें जिनी बार मर्जी बसा बंद कर लो जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होएगी ये बंद नहीं होएगा। टू एंड प्राइवेट माफिया ऑफ द बादल्स ऑन प्रॉफिटेबल रूट्स जलंधर दिल्ली मनाली राजस्थान पीआरटीसी एंड पनबस विल ओनली रन ऑन सच रूट्स। ये प्राइवेट बसा नहीं चल सकदियां। शॉर्ट रूट्स लोकल परमिट्स टू यूथ ऑफ पंजाब एवरी विलेज वन परमिट, जे कोई लूगा जो तुम परमिट लेने हो एक बस को चलाने लिए 12-13 बंदे चाहिए। यू कैन जनरेट इंप्लॉयमेंट। नॉन टैरिफ रेवन्यू अदर दैन टिकट्स इन पंजाब इज नियर जीरो। दिस इंक्लूड्स एडवर्टिजमेंट्स ऑन बसेस एट बस स्टैंड्स कियोस्क्स यूटिलाइजेशन ऑफ पीआरटीसी एंड पनबस प्रॉपर्टीज टू जनरेट रेवन्यू। ऑफिस ओन रेस्ट हाउस ओन रेस्टोरेंट ओन अदर स्टेट्स अर्न 20% रेवन्यू आउट ऑफ इट। 20% स्टेटा का रेवन्यू इन थावान तो है, इतने पंजाब का 0.1% भी है नहीं। 0.1% चाहे वह एडवर्टिजमेंट बोर्ड हो, मैं एडवर्टिजमेंट पॉलिसी लिया सी जिहड़ा लुधियाना 50 लाख रुपया एक साल का कमाता सी 34 करोड़ पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन होया सी, कईयां नूं पिछू पै गए, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। 36 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होया सीगा कल्ले लुधियाने का, जिथों 50 लाख नहीं आता जाओ पता कर लो। तो जे तुसी अगर आपने ये देखना हो कि ये कियोस्क्स वाला सारा मिला के पन बस पीआरटीसी बसों के पीछे जो फोटोएं लगती हैं उनको मिला के बोर्ड्स को मिला के करीब करीब 1000 करोड़ रुपया पंजाब को आ सकता है बड़ी आसानी से, जो निजी जेबों में जा रहा है, जो 75-25 की जेब में भी जा रहा है। डिजिटाइजेशन, आई स्पोक ऑफ अबाउट डिजिटल पंजाब। ये लखी टाइम टेबल नहीं बनाएगा हुण, ना लखी नूं बनाउण देणे आ ते लखी दे नाल रल के नहीं बनाउणगे टाइम टेबल। ये टाइम टेबल डिजिटल होएगा, ऑनलाइन टिकटां जिवें सारे स्टेटां च हुंदियां होर उतों लो। जिन्ने ल्यूक्रेटिव रूट्स ने वो पंजाब सरकार दे होणगे।